बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंस्पिरेशन द वे ऑफ सक्सेस पर, और मैं हूं आपका अपना मसरेकुल अनवर। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ही हैं? अच्छे ही है ना? और भी अच्छे रहेंगे क्योंकि आ चुका है, यस आ चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहतरीन वीडियो। तो हर एक वीक पर सैटरडे और ट्यूजडे को मेरा वीडियो आएगा। आज से ही ऑर्गेनिक का लेक्चर 1 स्टार्ट हो चुका है। 100 से भी ज्यादा 100 प्लस वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा। तो चिंता की और कोई भी बात नहीं है, फॉलो कीजिए सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन को, पार्ट हो जाइए इंस्पिरेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीओसी का लेक्चर 1। तो देखिए, बेसिकली अगर मैं आप सभी को कहूं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है, तो बच्चों देखो कि अगर मैं चले जाऊं हिस्ट्री पर, ये ना थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ लेते हैं क्या जाता है। तो इतिहास अगर पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हम लोग जान पाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हम लोग उसे ही कहते हैं कि जो चीज आपका एक लिविंग ऑब्जेक्ट से मिलता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ लिविंग ऑब्जेक्ट, उसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल आपको कहूं तो ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या सर आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये आपका लिविंग ऑब्जेक्ट से आता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोगों ने जान लिया कि सर हम किसे कहेंगे, जो कंपाउंड आपका लिविंग ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट होकर के हमें मिलेगा उसे ही हम कहेंगे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहेंगे। ऑर्गेनिक तो मान लिया, जान लिया कि सर लिविंग ऑब्जेक्ट से अगर हम लोगों को मिलता है तो उसे हम कहेंगे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से हमें कोई भी सब्सटेंस अगर मिले तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे सिंपली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। मान लिए कि NaCl, सर NaCl ये एक कंपाउंड है, आपका CHCl ये भी एक कंपाउंड है, तो ये सब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि सर ये आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्यों? बेसिकली रीजन क्या है? क्योंकि ये आपका एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से हमें मिलता है। अब ये तो था एकदम बेसिक डेफिनेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के रिलेटेड। इसके बाद वेरियस साइंटिस्ट ने और भी ट्राई किया और भी एक्सपेरिमेंट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए। तो उसमें ही अगर मैं आप सभी को डिस्कस कर दूं तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बर्जेलियास। तो उन्होंने एक थ्योरम दिया, वो थ्योरम उन्होंने सन 1815 पर उन्होंने दिया। तो उस थ्योरम का दो पार्ट था, दो मेन थ्योरम था। स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, दो पार्ट था उसका। क्या था सर? पहले उन्होंने क्या कहा, देखिए पहले तो हम लोगों ने एक हिस्ट्री पढ़ा ही था कि लिविंग ऑब्जेक्ट से अगर आपका एक सब्सटेंस या फिर एक कंपाउंड अगर वहां पर अगर वो क्या बोलते हैं कि मेड होता है तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट बर्जेलियास की तरफ से आया। साइंटिस्ट ने कहा, क्या कहा बर्जेलियास ने, उन्होंने कहा यहां पर कि एक मिस्टीरियस फोर्स है। सर क्या मिस्टीरियस फोर्स, ये क्या है? अरे भाई मिस्टीरियस फोर्स, उन्होंने कहा कि एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट से, लिविंग बॉडी से, चाहे वो एनिमल हो सकता है चाहे वो प्लांट हो सकता है, एक लिविंग आपका ऑब्जेक्ट से एक मिस्टीरियस फोर्स यहां पर काम करता है, जो फोर्स आपको क्या करता है सर, प्रोवाइड करता है वो एनर्जी कि आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां से वो उसका फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इस जो आपका ये जो फोर्स है ना उसको उन्होंने कहा VFT। उन्होंने क्या कहा उसको सर, उन्होंने कहा VFT। अच्छा अब देखिए VFT का फुल फॉर्म क्या है सर, VFT है आपका वाइटल फोर्स थ्योरी। अब देखिए उन्होंने
जो आपका मिस्टीरियस फोर्स था उस मिस्टीरियस फोर्स को उन्होंने कह दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा एग्जांपल देख लीजिए कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एनिमल है ना, तो हम लोगों से पहले जो छोटे छोटे माइक्रोब्स थे उन लोगों का इस अर्थ पर पहले वो आए, हमसे वो आए, उसके बाद ट्री आया और एंड पर हम लोग आए। तो ट्री मान लीजिए कि एक पौधा है, एक पौधा जिसको एक सीट को मैंने क्या किया, उसको सॉयल पर मैंने उसको सीट को मैंने दे दिया और देने के बाद वहां पर मैंने एक वेल एटमोस्फियर दिया उस पर, यानी कि पानी दिया, ऑक्सीजन दिया, लाइट प्रोवाइड किया, सब कुछ दिया। तो वहां से देखिएगा कि वो सॉयल को वो सॉयल से इजीली वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, बढ़ेगा ना, वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर उसको इंक्रीज होने में एक एनर्जी मिलता है, एक एनर्जी यहां पर काम करता है ना, उसी एनर्जी को बर्जेलियस ने कहा VFT, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, उन्होंने और एक चीज कहा था, उन्होंने और एक चीज कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लैबोरेटरी में सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है। यहां पर तो गलती कर दिया उन्होंने। देखिए जितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो ना क्यों, तो गलती तो करता ही है। एक वाक्य मेरा यहाँ पर याद आ गया कि मैंने सुना था एक वाक्य जहां पर एक रिनाउंड साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक कारपेंटर को बुलाया घर पर और उन्होंने कहा कि मेरा तो मेरे पास दो कैट है, तो एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है। तो उन्होंने कहा कारपेंटर से कि मेरे डोर पर दो होल कर दो, एक बड़ा वाला कर दो और एक छोटा वाला कर दो, ताकि बड़े वाले से बड़ा कैट चला जाएगा और छोटे वाले से छोटा कैट चला जाएगा। उस वक्त कारपेंटर ने कहा कि अरे भाई एक ही होल करने से ही तो हो जाएगा, एक बड़ा वाला होल कर दो, उससे बड़ा वाला भी चला जाएगा, छोटा वाला भी चला जाएगा। तो ऐसा कुछ कुछ गलती हो जाता है, इंसान ही है ना, गलती तो होगा ही। तो कुछ इसी तरीके से बर्जेलियस ने भी एक गलती कर दिया। तो उन्होंने क्या क्या किया था, वो गलती क्या था बेसिकली, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कभी भी लैब में, लेबोरेटरी में उसका सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है। पर उसके बाद बिगिनिंग वॉल्स ने वो गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने क्या किया बेसिकली, उन्होंने एमोनियम साइनेट दैट इज NH4NCO से उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। देखिए यहां पर स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे आप लोग कि साइंटिस्ट वॉल ने क्या किया, सन 1828 पर उन्होंने एक आपका एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने लैब पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका एमोनियम साइनेट से यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। और आप लोग जान करके एकदम से दम रह जाएंगे कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, उन्होंने क्या किया बेसिकली, देखिए यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि उन्होंने NH4NCO से उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया। सर यूरिया दैट इज यूरिया का अगर मैं आपको फॉर्मूला अगर बताऊं तो देख लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका NH2 दैट इज, क्यों NH2, नाइट्रोजन का तो थ्री हैंड्स होता है इसी वजह से NH2, NH2CO NH2, ये आपका यूरिया का फॉर्मूला है बेसिकली। तो देखिए बर्जेलियस ने कहा था कि लैबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कभी भी नहीं हो सकता, दैट इज आर्टिफिशियली हम लोग कभी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। पर यहां पर देखिए साइंटिस्ट वर्ल्ड ने वो प्रूव कर दिया कि नहीं, हम लोग बना सकते हैं, हम लोग एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आप लोग एक चीज लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। अच्छा एक एक चीज स्क्रीन पर आ रहा है, मान रहा हूँ कि आ रहा है, पर देखिए यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है या फिर उसको हाईलाइट कर दिया है।
प्लीज 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 दोस्तों, आप लोग एक एक चीज को अपने एक्सरसाइज बुक पर नोट कर दीजिए। तो कुछ इसी तरीके से ये वाला भी आप नोट कर लीजिए। ओके, इसको भी नोट कीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा, स्टार मार्क करके एक एक्स्ट्रा नोट लिख लीजिए कि इन दिस केस यूरिया इज बेसिकली एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। देखिए यहां पर जो यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो बेसिकली एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, यानी कि एक रिएक्शन पर वो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है, यानी कि वो अनस्टेबल है। वो आपका फिर ब्रोक होगा और ब्रोक होने के बाद एक नया चीज वहां से बनेगा। तो उस चीज को अभी देखने की जरूरत नहीं है, आ जाइए नेक्स्ट की ओर। तो यहां पर आप लोगों ने देख ही लिया कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर के वेरियस साइंटिस्ट ने वेरियस थ्योरी उन्होंने सभी ने दिया। कुछ उसमें कुछ जनों ने थोड़ा सा रॉन्ग दिया, उन सभी में से थोड़ा सा रॉन्ग आया, पर उसको बाद में अलग साइंटिस्ट ने उसको करेक्शन किया। तो अब यहाँ पर देखें कि मॉडर्न आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे। तो ये जो थ्योरी है वो बेसिकली साइंटिस्ट कोलबे ने दिया सन 1845 पर। ओके, 1845 में साइंटिस्ट कोलबे ने दिया था। और वो क्या था बेसिकली कि उन्होंने कहा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लैब में सिंथेसिस ही नहीं होगा, यानी उसे हम आर्टिफिशियली सिंथेसिस तो कर ही सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हैं। अजीब बात है। पहले देखिए, आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो पहले कहा कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट से हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसे ही हम केवल और केवल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, पर अभी आप बोल रहे हैं कि एक इनऑर्गेनिक से भी अगर उसका सिंथेसिस हो, यानी अगर हम लोग एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए, यानी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर एक कंपाउंड का सिंथेसिस हो जहां पर कार्बन है, तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ये क्या लोचा है। अरे भाई, यही तो केमिस्ट्री है, यही तो केमिस्ट्री का मजा है। तो मजा को लो, लुफ्त को उठाओ और इंजॉय करते जाओ। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ, हिस्ट्री क्या था, बेसिक फॉर्मेशन क्या था कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट से, यानी कि आपका एक लिविंग ऑब्जेक्ट से ही केवल और केवल आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन होगा, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही आपका केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। पर अल्टीमेटली आप लोगों ने देखा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंशियली आप लोगों ने देखा, वेरियस साइंटिस्ट वहां पर आए और उन्होंने क्या किया, एक एक बेहतरीन थ्योरम दिया, पर सभी के थ्योरम में कुछ ना कुछ गलती रह गया था। तो अब साइंटिस्ट कोलबे ने सन 1845 पर उन्होंने भी एक थ्योरम दिया, तो उसे ही हम कहते हैं मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, उन्होंने क्या बोला कि सर सिर्फ और सिर्फ लैब में ही नहीं, यानी आर्टिफिशियल ही नहीं, हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि कैसे एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्लास 11th में, हाँ 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, और क्लास 12 में, बेसिकली 12th में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, और ये जो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर देखिए जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, प्लीज भाई नोट डाउन कीजिए। और नोट डाउन करने के बाद, अच्छा देखिए, इसके ऊपर में
अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा सब वीडियो के ऊपर में मैं एक आपको सिक्वेंशियली अच्छे से अच्छा आपको एक नोट मैं प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वहां पर देखिए एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, प्लीज उसको फटाफट से ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहां पर देखिए हर एक लेक्चर के ऊपर में पीडीएफ नोट वहां पर प्रोवाइडेड है, तो प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ नोट को आप अच्छे तरीके से पढ़िए। साथ ही साथ उसको आपने अपना जो एक्सरसाइज बुक है वहां पर नोट डाउन कर लीजिए स्पेशल पॉइंट्स को। ओके अब आ जाइए सर, इतना तो कह दिया आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक, बहुत आपने डिफिनेशन दिया कि क्या क्या हो सकता है डिफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पर सर रियल डिफिनेशन क्या है इतना सब याद रखे नहीं। एक ही डिफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा जो कि है आपका रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन। क्या है बेसिकली वो डिफिनेशन देखिए यहां पर स्क्रीन पर देखिए कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसे ही कहेंगे कंटेनिंग, देखिए कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द मेन एलिमेंट्स, यानी हम उसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे जो कि बेसिकली आपका कार्बन और हाइड्रोजन को उसका मेन एलिमेंट्स के तरफ, मेन एलिमेंट्स के हिसाब से उसको वो क्या करेगा सर, उस पर रहेगा। ओके तो यहां पर देखिए बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उसे ही कहेंगे जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो अब कहेंगे आप लोग कुछ जब कहेंगे कि सर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहने से ही हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी और भी दिगर एलिमेंट्स वहां पर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है देखिए, नाइट्रोजन हो सकता है, ओके नाइट्रोजन हो सकता है आपका, ऑक्सीजन हो सकता है, मैक्सिमम में देखेंगे आप लोग की ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है। ओके और क्या हो सकता है सर, और एक्स हो सकता है, एक्स यहाँ पर क्या हो सकता है सर, एक्स मीन्स यहाँ पर हैलोजन है, हैलोजन, ओके हैलोजन दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप 17 हैलोजन, हैलोजन ग्रुप, तो वहां पर जो जो एलिमेंट है वो भी यहाँ पर हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, सल्फर हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ ये सब होगा, और उसके साथ साथ तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही, वो तो बेसिक फॉर्मेशन है, वो तो मैं आपको इसके बाद का जो वीडियो बनाऊंगा यानी लेक्चर 2 जो होगा वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि बेसिकली है आपका कि सर एक जो कार्बन एटम है, आपने कहा कि कार्बन और अगर हाइड्रोजन अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए कार्बन का कुछ यहां पर बेसिकली कार्बन का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको हमें जानना पड़ेगा कि सर कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। ओके तो देखिए कार्बन का जो आपका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आ जाएगा एकदम फर्स्ट, वहां पर देखिए आप कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी है, कार्बन के अंदर टेट्रा वैलेंसी प्रेजेंट है। अब आप कहेंगे सर ये टेट्रा वैलेंसी क्या है, ताज्जुब की बात है, टेट्रा वैलेंसी ये फिर क्या है। देखिए आप देखिए यहां पर कार्बन, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है आपको मैं पीरियोडिक टेबल में वो ट्रिक्स मैंने पहले ही बता दिया है, तो हालांकि वो वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम हो रहा है, वो एडिट हो रहा है, इसी वजह से जब एडिट हो जाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे पूरा पीरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट और उसका हर एक इलेक्ट्रॉन का नंबर को कैसे याद रखें। तो देखिए कार्बन का कितना हो जाएगा, हा ही ली बे बो का से कार्बन, तो कार्बन का आ जाएगा 6, देखिए 6 आ रहा है ना, तो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके तो इसको अगर हम लोग इसका अगर इलेक्ट्रॉन अगर सीरीज हम लोग देखें तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 1s2 2s2 2p2, ओके 2p2 आ गया। हाँ तो इसको अगर हम लोग यहां पर अगर सिक्वेंशियली हम लोग अगर लिख दें तो देखिए ये आ गया आपका px
PY और PZ हो गया। देखिए P में, P ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, देखिए दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो दो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपका वैकेंट ऑर्बिटल कितना है, एक ही है, एक वैकेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि कार्बन में अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर अगर आ जाए एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसका जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 ओके, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। इसी वजह से कार्बन का आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इनफेक्टर बोल लीजिए, वैलेंसी बोल लीजिए, वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी कि कार्बन के अंदर एक क्षमता है। तो यह मैंने इसको क्या किया, ये जो आपका था ना, देखिए ये था 2s ना, तो 2s पर कितना है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर 2s से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को p पर दे दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया था ट्रांसफर यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि कार्बन का दो पॉसिबिलिटी है, यानी कार्बन में 2 हैंड्स हो सकता है या फिर कार्बन का 4 हैंड्स हो सकता है। हैंड्स यानी बॉन्ड। ओके, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मैं जो हैंड्स बोल रहा हूँ ना आपको, हैंड्स एक एक हैंड्स यहाँ पर एक एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्बन का डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन का 4 बॉन्ड भी हो सकता है। तो 4 बॉन्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है अब आप लोग देख लीजिए। अब देखिए कार्बन का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन एक प्रॉपर्टी है जो कि है कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सर किसे कहते हैं हम लोग, कैटिनेशन प्रॉपर्टी हम किसे कहेंगे? तो देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी हम उसे ही कहेंगे कि जब एक एलिमेंट, ध्यान से सुनिए, एक एलिमेंट जब वो खुद से ही बॉन्ड करता है, जब वो खुद से ही बॉन्ड करेगा तो उसे हम कहेंगे, वो जो प्रॉपर्टी है उसका, उसे ही हम कहेंगे कि वो आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। तो कार्बन अगर कार्बन के ही साथ अगर बॉन्ड करे तो वो हो जाएगा आपका कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए कार्बन में क्या क्या बॉन्ड यहाँ पर पॉसिबल है। मैंने बोला था ही कार्बन का 4 हैंड्स पॉसिबल है। तो एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर नंबर 1 कि वो ऐसे हो सकता है, कार्बन 4 जो बॉन्ड है, 4 बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड, ये एक प्रोबेबिलिटी है, अगर पॉसिबिलिटी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो ये जो आपका 4 बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक एक एंगल क्या है आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर एक एक जो आपका एंगल है उसका वैल्यू है आपका 109 degrees 28 minutes। ओके, 109 degrees 28 minutes, तो यह एक एक एंगल का ये वैल्यू है। और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोग देखें तो ये कुछ आ जाएगा आपका sp3। कैसे आया sp3, डाउट होगा ना मन में कि सर sp3 आपका कैसे आ जाएगा। ओके, देखिए डाउट को, हर एक डाउट को क्लियर कीजिएगा अच्छी तरीके से। हाँ, तो देखिए sp3 आपका कैसे आ जाएगा, यहां पर देखिए हर एक सिंगल बॉन्ड है ना, हर एक सिंगल बॉन्ड है। हर वक्त जान लीजिएगा कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, दैट इज एक अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड जो है ना वो बेसिकली आपका एक सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है यानी बेसिकली वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो उस पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। ओके, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट पर एक आपका आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड और 2 आ जाएगा आपका पाई बॉन्ड। हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। सर समझ में आ रहा है, हर एक चीज समझ में आ रहा है, नोट डाउन करो हर एक चीज को नोट डाउन करो। ओके, नोट डाउन करो। अच्छा, एक काम करिए, तो नोट डाउन करने के बाद सब आपका जो एक्सरसाइज बुक है ना उसका पिक उठा करके कमेंट बॉक्स पर दीजिए, जिस
और अगर कमेंट बॉक्स पर अगर ना दे सके तो इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूं वहां पर दीजिए, जिसने सबसे अच्छे तरीके से नोट डाउन किया होगा, यानी एक्सरसाइज बुक में हैंडराइटिंग अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, उसका वो नोट मैं अपना फेसबुक का जो स्टोरी है वहां पर दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम का जो स्टोरी है मेरा वहां पर मैं अपलोड करूंगा, आप लोगों को और भी ज्यादा प्रमोट करूंगा। पर दीजिए, करिए, हर एक चीज को नोट डाउन कीजिए। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक तो प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया आप सभी को कि सर अगर चार बॉन्ड है और चारों ही अगर सिंगल बॉन्ड है उस पर क्या आ जाएगा, जो आपका एंगल का वैल्यू है 109 degree 28 minute आ जाएगा। सर दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरा प्रोबेबिलिटी है आपका कि कार्बन हो गया, ओके, अच्छा डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, ओके, एक आ गया सिंगल बॉन्ड और एक आ गया सिंगल बॉन्ड। देखिए, दो तीन एक चार, फोर बॉन्ड्स आ गया ना यहाँ पर। देखिए, अच्छा सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड है ना, और एक पाई बॉन्ड, तीन सिग्मा एक पाई। और यहाँ पर अच्छा बोलिए तो एंगल कितना होगा, यहाँ पर अगर आप लोग एंगल देखेंगे ना तो ये आ जाएगा कुछ आपका 120 degree। हालांकि ये 90 degree लग रहा है, मैंने जो ड्रॉ किया है वहां पर आपको ये 120 नहीं लग रहा है, ये आपको 90 लग रहा है, बट बेसिकली अगर अच्छे से अगर ड्रॉ करूं तो ये 120 ही आएगा। ओके, ये 120 degree आपका हो गया। अच्छा, तो ये दो पॉसिबिलिटी हो गया। अच्छा, तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड क्या आ जाएगा, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा, थर्ड पॉसिबिलिटी है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड, ये एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, तीन और एक चार, चार बॉन्ड हो गया। अच्छा, यहां पर तो सिंपली मालूम पड़ ही जा रहा है कि यहां पर 180 degree एंगल है, 180 degree एंगल है ना। हाँ, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, नीचे कर दूं? अच्छा ठीक है, नीचे कर दे रहा हूं। देखिए, ये वाला जो आपका एंगल है, मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो कि कैमरा को हैंडल कर रहा है, तो उसने कहा कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप नीचे कर दीजिए। ठीक है, नीचे कर दे रहा हूँ। तो देखिए, ये आपका आ गया कितना, 180 degree। ओके, आ गया ना 180 degree। अच्छा, 180 degree आ गया। सर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक एक दो, पाई कितना है, एक एक दो, दो है ना। ओके, अब आ जाइए फोर्थ नंबर पॉसिबिलिटी में, चार नंबर पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉसिबिलिटी, इसमें क्या आ जाएगा फोर्थ पॉसिबिलिटी में, एक पॉसिबिलिटी है कि सर कार्बन आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओके, दोनों ही बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड हो। देखिए, यहां पर चार आ गया ना, 1 2 3 4, चार आ गया। यहां पर सिग्मा कितना होगा सर, दो सिग्मा है, दो पाई है, दो सिग्मा दो पाई, ओके, और यहां पर भी बॉन्डिंग कितना है सर, 180 degree है, 180 degree बॉन्ड है। हाँ, तो यही कुछ है बेसिक लेक्चर वन में। आपको अगर एक छोटा सा भी चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है मुझे बताइए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटर नहीं बल्कि दोस्त भी हूँ, तो बताइए, बेझिझक मुझे बताइए। और प्लीज यार, मुझे प्रमोट कीजिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो जल्द से जल्द मैं अपलोड करूंगा, आप सभी को मैंने बोल ही दिया, सैटरडे और ट्यूजडे, इन दोनों डेट पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वीडियो होगा वन बाय वन मैं अपलोड करता जाऊंगा। और इन दोनों डेट के अलावा भी कुछ एक डेट पर, वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा, तो उस डेट पर भी मैं आपका जो अदर्स जो टॉपिक है, यानी कि फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो इतने देर से पेशेंस के साथ अपने इस दोस्त की वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा।